गोविंद गढ़ के खंडों में डूबे नाबालिग का शव मिला। 16 साल का नाबालिग अपने मामा के घर आया था। गोविंदगढ़ के मड़वा पिकनिक मनाने गया था खंडो, जहां पर नहाते समय डूबने से उसकी मौत हो गई थी। गोविंदगढ़ के खंडों में डूबे नाबालिग का शव मिला। 16 साल का नाबालिग अपने मामा के घर आया था। गोविंदगढ़ के मड़वा पिकनिक मनाने गया था खंडो, जहां पर नहाते समय डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जैसे ही इस बात की खबर पाई, तत्काल ही खंडो पहुंच गए। वहां पर नहा रहे लोगों ने तत्काल ही इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम बुलाई, जहां पर कल काफी तलाश के बाद भी उसका शव बरामद नहीं किया जा सका था। लेकिन आज सवेरे से एक बार रेस्क्यू फिर से प्रारंभ हुआ और नाबालिग अशोक पटेल का शव एनडीआरएफ ने बरामद कर लिया। रीवा के खंडों में बीती शाम डूबे नाबालिग का शव आज एनडीआरएफ ने बरामद कर लिया। हम आपको बता दें, गोविंदगढ़ के खंडों में बारिश के मौसम में काफ़ी भीड़ होती है। पिकनिक मनाने के लिए यहां पर दूर दूर से लोग आते हैं। यहां पर काली माता का एक प्राचीन मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है यहां पर भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है, जिसके चलते यहां पर मेला सा रहता है। रीवा के आसपास पिकनिक स्पॉट में इस स्पॉट का कुछ ज़्यादा ही महत्व है। आए दिनों परिवार के लोग, छात्र छात्राएं पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते रहते हैं। खास तौर से बारिश के दिनों में पहाड़ी रास्ते पर जब पानी गिरता है तो एक मनोरम दृश्य यहां पर पैदा होता है, जिसको देखने के लिए यहां पर दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने पहुंचते रहते हैं। ऐसे में यहां पर सुरक्षा के कोई खास इंतज़ाम नहीं। खास तौर से बारिश के मौसम में यहां पर पानी ज़्यादा होता है। हर साल बारिश के मौसम में यहां पर मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। सतना जिले के इसने ही गांव के रहने वाले अशोक पटेल, जिसकी उम्र 16 साल थी, अपने मामा के घर गोविंदगढ़ के पास मड़वा गांव आया हुआ था। वहां दूसरे वक्त पहुंच गया पिकनिक मनाने खंडो। यहां पर वह कपड़े उतार कर नहाने लगा। इस दौरान काफ़ी लोग वहां पर थे। एकाएक अशोक पानी के अंदर गया, फिर बाहर नहीं निकल पाया। आसपास नहा रहे लोगों ने शोर मचाया। घटना की सूचना एनडीआरएफ और गोविंदगढ़ पुलिस को दी गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, अशोक केवट के शव को तलाशने लगी, लेकिन उसका शव नहीं मिला। अंधेरा हो गया। अंधेरा होने की वजह से एनडीआरएफ ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। आज सुबह से फिर से एक बार एनडीआरएफ ने इसका अपना रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया और अशोक पटेल का शव तलाश कर डाला। गुस्साए ग्रामीणों ने अशोक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने की भी कोशिश की। सबका केवल एक सवाल था, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं, जबकि हर साल यहाँ पर मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जाता है। खास तौर से बारिश के मौसम में युवक युवती यहाँ पर आते हैं, परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नहाते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। इस दौरान नहाते समय हर साल कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। उसके बावजूद भी किसी तरीके का सुरक्षा का इंतज़ाम यहाँ पर नहीं किया जाता, समझा जाता है। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोला, अशोक केवट का शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के हवाले करने की तैयारी प्रारंभ की। पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने माना जा सकता है अशोक केवट के शव की पोस्टमार्टम के बाद अब शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा, जहां पर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाएगी। जिस तरीके से खंडों में आए दिन हादसे होते रहते हैं, उसके बाद भी यहां पर सुरक्षा के इंतज़ाम नाकाफी हैं। किसी भी तरीके के सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं होते, जिसको लेकर इस तरीके की स्थिति यहां पर हमेशा ही उत्पन्न होती है।